ये क्या क्या है इसमें? अभी है दर्द? हाँ ऐसे कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार यूट्यूब चैनल माँ। तो अभी मैं हूँ गुमखाल में और यहाँ से निकलूंगा मैं कोटद्वार के लिए, और इससे पहले मैं सतपुली आ रखा था मुंडन के लिए, तो फिर मैं यहाँ गुमखाल आ रखा था विक्की के घर पे, तो चाची ने बोला खाना बना रखा है तो खाना खा के जाना, तो मैंने बोला चलो ठीक है खा लेते हैं। और ये जो घर के बाहर इन्होंने बना रखा है टेम्परेरी रसोई, तो यहाँ पे मैंने सोचा था यहीं बैठ के खाना खाऊंगा, लेकिन आज मौसम ऐसा हो रखा है ना बिल्कुल भी धूप नहीं है, हर जगह बादल लगे हुए, तो कोई धूप का निशान नहीं है, तो ठंडा बहुत हो रखा है, तो इसलिए अंदर ही खा रहे हैं अभी खाना। तो देखते हैं जरा चाची ने क्या बना रखा है। तो दाल भात लग चुका है यहाँ पे, उड़द की दाल, राजमा, मतलब पूरी मिक्स है, और ये सुबह के आलू मटर। और चटनी कहाँ है? चटनी कहाँ लगाई? अच्छा तो अभी रेडी चुका हूँ मैं, और साथ में मेरे ताऊजी भी चल रहे हैं, लेकिन हम कोटद्वार नहीं जा रहे हैं अभी, जा रहे हैं द्वारीखाल, क्योंकि द्वारीखाल में ताऊजी हैं और ताऊजी ने कुछ दादी के लिए सामान देना है, क्योंकि पहले सोचा था कि दादी दो तीन दिन रहेगी कोटद्वार और फिर वापस दादी को छोड़ देंगे गाँव में, लेकिन अभी वो जो इंसुलिन लग रही दादी को, तो उस वजह से थोड़ा हफ्ता 10 दिन लग जाएगा दादी को कोटद्वार में, तो इसलिए कुछ दादी के कपड़े हैं और कुछ दादी ने अपनी पर्सनल ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने सामान मंगाए हैं ताऊजी से, तो वो लेने जा रहे हैं अभी। अच्छा प्रणाम। ये क्या क्या है इसमें? एक धोती है, हाँ, एक पेटीकोट है गरम, हाँ, स्वेटर। अच्छा, और वो कुछ वो नहीं डाला, वो क्या कहते हैं, पाउडर और क्रीम? क्रीम पाउडर वहाँ का है। दादी को नहीं पड़ती जरूरत। द्वारीखाल में बड़े करके चाय पी लिए, और इतना ठंडा हो रहा है अभी यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्फीली हवाएं चल रही होंगी, कहीं ऊपर पहाड़ में बर्फ पड़ रखी होगी तो उसकी हवा आ रही है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है ठंड। चाचा ने तो कुछ ढंग से पहन भी नहीं रखा, ठंड नहीं लग रहा आपको? ठंड हो रही है। और कल रात को तो बारिश भी हुई थी, वहाँ गाँव में हुई बारिश? हाँ हुई थी। अब ये बारिश होने लग गई ना, तो अब देखना बर्फ भी पड़ जाएगी फटाफट। ताऊजी ने भी बढ़िया करके गाड़ी सीख ली है। हर जगह घुमाने लग गए आप? हर जगह का मतलब कहीं भी, जैसे गुमखाल चले गए या कहीं चेलुसंड? कोटद्वार नहीं, गुमखाल। हाँ गुमखाल तो ले जाता हूँ। अच्छा ले जाते हो? चेलुसंड भी? चेलुसंड एक दिन ले गए थे, चेलुसंड घुमानी रिवर्स करनी, रिवर्स में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा चलो बढ़िया, पर मैं वहाँ पे तो कर देता हूँ घर में। हाँ वहाँ तो अपना ही है, तो वहाँ तो पता चल जाता है। चलो बढ़िया। ताऊ जी को बाय बाय बोल के चाची को गुमखाल छोड़ के, और एक घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार बाजार में मैंने ये सामान खरीद लिया था, और ये सामान है हमारा लड्डू बनाने का। तो अभी करीबन 12-13 दिन से हमें लड्डू नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं भी इधर उधर घूमने में लगा हुआ था, क्योंकि जब से मेरा जन्मदिन हुआ है उसके अगले दिन ही मैं निकल गया था, पहले कठुली गया, फिर कठुली में हम रुके 4-5 दिन, फिर उसके बाद जोशीमठ गया, जोशीमठ में रुके 2 दिन, फिर उसके बाद वापस पौड़ी आया, पौड़ी में रुके 1 दिन, फिर मैं उसके बाद गुमखाल आया, गुमखाल में रुका 2 दिन, फिर मैं वहां से फिर चला गया गाँव, गाँव रुका 3 दिन, फिर वहां से वापस आया कोटद्वार, फिर कोटद्वार रहा 2 दिन, फिर दादी को लेने गया, फिर दादी को लेके वापस आया, फिर सतपुली चला गया, अभी 1 दिन सतपुली रहा, फिर 1 दिन गुमखाल रहा, तो अब जाके फाइनली मैं घर आया हूँ, और अभी मेरे पास 3-4 दिन है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर पे रहूंगा सिर्फ, और दादी का जरा देखेंगे कि कितना रिकवरी हो रही है और नहीं हो रही है। और साथ में हाँ, ये लड्डू का बता रहा था मैं कि लड्डू 12-13 दिन से बने नहीं थे, क्योंकि सामान नहीं आ रहा था घर पे, मैंने मम्मी को बोला भी कि सामान ले आओ ले आओ ले आओ, पर मम्मी ने बोला नहीं 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 तू ही लाएगा, तू ला रहा था तू ही लाएगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो इसलिए अभी सामान आ गया है। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारे ऑर्डर ऐसे थे जिन्होंने दिसंबर में दे रखे थे, और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं अपने जन्मदिन तक आपको लड्डू डिलीवर करा दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो मैं उन सबको दोबारा कॉल करूंगा या फिर मैं व्हाट्सएप करूंगा और पूछूंगा उनसे कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और बाई चांस अगर आपको चाहिए, वैसे तो अब फरवरी तक ही है ठंडी, मिड फेब से तो फिर गर्मी स्टार्ट होने लग जाती है, तो इसलिए अभी अगर किसी को चाहिए लड्डू, तो स्क्रीन के नीचे आप पे आपके पास नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी कुछ दिन घर पे ही हूँ और मम्मी को भी सामान देता रहूंगा, मम्मी लगातार बना दे रहेंगी। तो चलो भाई अब पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं ऊपर दादी से मिलते हैं।
तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसी है दादी की तबीयत, तो बता दो एक बार। वैसे तो है तबीयत नहीं, मतलब उंगली कैसी है? उंगली वैसी है, चट कर रही। और जो ऐसे दबा के रख रही है तो थोड़ा चैन है। दबा के रख रही मतलब ढिकन के अंदर? अच्छा, पर सच में अभी तक पपड़ी जमी नहीं है। जैसा हाथ था ना पहले, ये वाली चीज है, ये इसकी खाल निकली हुई ऐसे, इस उंगली की, तो वो वैसे का वैसी है, लाल हो रखा अभी भी। शुगर टेस्ट किया था? कितना है? ये बोल रहे है पापा कितना है? टेस्ट घर पे नहीं किया पापा का ना, वो तो वो अंदर ये खून नाक भी और बस दिल्ली जान भाई का बाल। कल देखते हैं, चलो कल सुबह देखते हैं, कल एक बार ये ड्रेसिंग भी करानी है ढंग से या हॉस्पिटल ले आके जो हमारी कॉलोनी का है, और साथ में शुगर टेस्ट भी करेंगे। और क्या क्या कह रहे हो? क्या मार दिया? मार दिया डावन। कौन डावन? हॉस्पिटल में नहीं तो अच्छे से करेंगे ना, ये घर पे कर रखी है आज ये ड्रेसिंग, इसलिए हो रखी है ऐसी बेकार सी। अब जब है यहाँ पे फैसिलिटी भाई की ड्रेसिंग हो सकती है तो करा देते हैं। अब गाँव में रहते तो नहीं होती, तो गाँव में तो खुद ही करनी पड़ती है ड्रेसिंग। तीन महीना नहीं, 3 महीने थोड़ी आएगी जब बोल रहा है। तो अभी फिलहाल सो जाते हैं, सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, मिलते हैं आपसे कल। श्रेणी चाहिए और क्या कि काम करने चाहिए, सोएंगे। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ये लो। किसका? आप ही का और किसका? जो कल लाया था मैं। किसका है? अच्छा बैग किसका है? ये तो मुझे नहीं पता भाई, होगा किसी का, ताऊजी का होगा या भाभी का होगा। तो अभी जरा दादी चेक कर रही है कि पूरा सामान है कि नहीं है, और साथ में आज बड़े दिनों बाद धूप आ रही है। मैं तो कल भी थी, परसों भी थी थोड़ा। थी? पर जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ धूप नहीं आ रही है। मैं सतपुली गया, सतपुली में नहीं थी धूप। उसके बाद कल मैं गुमखाल गया वहाँ पे नहीं थी धूप। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ आ गई धूप। तो इसलिए दादी और मैं तो जरा धूप के मजे ले रहे हैं, आप भी मजे लो। हेलो, अगर धूप आ रही है तो सतपुली की मिठाई कहाँ है? मम्मी कह रही थी अरे बोल के नहीं आया, बल्कि किसी में बोल आया। हाँ मैं जल्दी निकल गया था ना, जल्दी निकल गया मतलब, सॉरी जल्दी नहीं मतलब बिना बताए। जो नहीं बताए वो रोक रहे थे ना मेरे को कि रुक जाओ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता सर ना बोलना कि ना मैंने रुक रहा, तो मैं चुपचाप निकल गया। किसी ने बोलाया कि मैं चला गया। जब मैं पूनम की शादी में था तो मतलब वहां तो कोई रोक नहीं रहा था, लेकिन मेरे को ना अजीब सा लगता है थोड़ा बाय बोलने में कि चलो मैं जा रहा हूँ, तो मैं ना चुपचाप निकल जाता हूँ। थोड़ा अजीब लगता है मेरे को ऐसे बोलने में कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कोई ऐसा ना बोल दे कि नहीं जाना, तो मैं ऐसे निकल ही जाता हूँ। ऐसे में पूनम की शादी से भी निकला था, तो वहाँ पे भी उन्होंने टीका ही लगाया था। तो एक है मेरी तरह वीडियो बनाती है वो भी बैजरो। अच्छा, और जो मैं शुगर टेस्ट की बात कर रहा था कल, तो वो ऑलरेडी करा दिया है किसी के थ्रू, मतलब कोई आया था घर में, आया दादी का सैंपल लेके चला गया, तो मुझे ये पता नहीं था, तो इसलिए मुझे कल समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहे हैं लोग। तो इसलिए शुगर टेस्ट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी एक दिन में आएगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अब ब्लॉग को एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। उल्टा हाथ से टेक केयर करना पड़ रहा है तो ये देना, ये तो सारा दिखेगा ये। हाँ, अभी जाते हैं इसकी ड्रेसिंग कराते हैं, है ना? और वो पाल दर्द, अभी दर्द हो रहा है या उसका दर्द लग रहा है कि वहाँ दर्द होगा? तो वही तो वहाँ का लग रहा है। अभी अभी है दर्द? हाँ ऐसे कर रहा हूँ, दम 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 दम, है ना?